स्वागत है, देखते हैं आज की बड़ी खबर। हाईवे पर पड़ी रही पुलिसकर्मी की बेटी, कुचलते रहे वाहन। यह घटना नई दिल्ली गाजियाबाद की दर्शाई जाती है, जहां देश के सबसे स्मार्ट एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक युवती की लाश मिली। एक स्थानीय एम्बुलेंस चालक ने बताया कि उसे दो युवकों ने एक्सप्रेसवे पर महिला की लाश होने की सूचना दी थी। मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके का है। शव की शिनाख्त मोनिका नाम की युवती के तौर पर हुई है। छानबीन में पता चला है कि युवती पूर्व हेड कांस्टेबल की बेटी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल दुर्घटना से मौत की आशंका जताई जा रही है। काफी खराब हो गई थी शव की हालत। शव की हालत इतनी खराब है, घटनास्थल के हालात और शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो काफी देर से एक्सप्रेसवे पर पड़ा था। इस दौरान शव के ऊपर से कई सारे वाहन गुजर चुके हो। फिलहाल मामले में कयासी लगाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पूर्व हेड कांस्टेबल की बेटी है मृतका। मृतका मोनिका जो मसूरी के इकला गांव की रहने वाली है। जब पता चला है कि एक पुलिसकर्मी की बेटी की लाश ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस तमाम संभावनाओं पर गौर कर जांच की दिशा तय कर रही है। मामले में एसपी देहात नीरज कुमार का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद तमाम तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। जांच के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड कर और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।